तो वेलकम बैक गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसको और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि जो 10 में से 4 एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं वो उसको जो हैकर्स है तो आसानी से उसको हैक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आता है स्क्रीन लॉक यूज़ करना। वैसे मोस्टली फ़ोनों में स्क्रीन लॉक लगा के रखते हैं, लेकिन जो रहता है मोस्टली जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं पैटर्न्स। और पैटर्न्स जो रहते हैं बहुत सिंपल यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पैटर्न्स थोड़ा डिफिकल्ट रखना है। और अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी रखनी है तो आप पिन रख सकते हैं, फिर पासवर्ड रख सकते हैं, क्योंकि और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसको अनलॉक करना। पैटर्न्स तो बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, मीन्स थोड़ा दिमाग लगा लगा के इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन ये जो पिन और पैटर्न पासवर्ड्स रहते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उसको फाइंड करना। और पैटर्न्स जो रहते हैं वो मोस्टली यूज़ करते हैं, तो आप थोड़ा डिफिकल्ट रखिए अगर आपको पैटर्न ही रखना है तो। एंड आता है हमारा यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आप गूगल पे अपने अकाउंट्स पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और दूसरे सब कुछ अकाउंट्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, आप सब पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गूगल अकाउंट का करके रखा है। अगर आपको कैसे करना है देखना है तो आप जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है वो देख सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन से, अगर आप इससे करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। थर्ड आता है यूज़ ओनली ऐप्स फ्रॉम द प्ले स्टोर, बिकॉज ये जो रहता है, क्योंकि प्ले स्टोर जो रहता है वो वेरीफाइड ऐप्स रहते हैं, इसमें मीन्स इसमें आपको वायरसेस नहीं मिलेंगे। अगर आप जो दूसरे ऐप्स रहते हैं, अगर आप गूगल वूगल से डाउनलोड करेंगे तो आपको हो सकता है कि जो उसका डेवलपर है वो उसमें हैक्स मीन्स कुछ वायरसेस डाल दे या फिर कुछ ऐसी कोड्स कर दे कि जिससे जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सके। तो इसलिए जो ऐप्स आपको हमेशा अपना फ़ोन सिक्योर रखना है, तो ऐप्स जो यूज़ करना है वो हमेशा आपको प्ले स्टोर से ही यूज़ करना है। फोर्थ हमारा आता है इनक्रिप्ट आपके फ़ोन को करना। इनक्रिप्ट आप अपने SD कार्ड को भी कर सकते हो और फ़ोन को भी कर सकते हैं। इनक्रिप्शन से क्या होता है, जो आपके जो डाटा है ना क्लाउड पे वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है इससे। और अगर आप SD कार्ड में अपना डाटा रखते हैं तो उससे जैसे कि अगर वो उसको कोई यूज़ कर लेता है, मीन्स कहीं से आपकी घूम जाती है, तो कोई डाटा आपका स्टील नहीं कर पाएगा SD कार्ड से। फिफ्थ हमारा आता है यूज़ पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने जो पासवर्ड बहुत सारी जगह वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं, आपके पासवर्ड जो भूल जाते हैं और सिंपल पासवर्ड आप नहीं रख सकते बिकॉज मोस्टली लोग गैस कर सकते हैं। तो इसलिए पासवर्ड मैनेजर्स रहते हैं बहुत ज़्यादा इसी टाइम पे काम आते हैं। और मैं पर्सनली लास्ट पास यूज़ करता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मैं भी यूज़ करता हूँ पर्सनली, और बहुत अच्छा है। इसमें आप अपने जो पासवर्ड्स आप चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पासवर्ड रख लीजिए और इसमें सेव कर दीजिए। और बिल्ट इन में भी गूगल में भी आजकल आने लग गया है, जिससे जो आपके पासवर्ड है उसमें आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और जब आप वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा और आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ करके देखिए। और आता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। ये जो चीज़ है आपको इसको हमेशा खुश रखना है, मतलब हमेशा नो प्रॉब्लम्स फाउंड होना चाहिए आपके इसमें, और इसको आप हमेशा स्कैन करते रहिए। और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जो आपकी जो एप्लीकेशन है सबको स्कैन कर लेगा और ये देख लेगा कि किसी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको जल्दी से एप्लीकेशन तो नहीं कह सकते, ये अपना गूगल की तरफ से ही आता है, जो अपना प्ले स्टोर में आप जाके देख सकते हैं, प्ले स्टोर में ही ये मिलेगा आपको। तो आप इसको बहुत अच्छा है, आप इसको हमेशा स्कैन करते रहिए, ये ऑटोमेटिकली स्कैन भी करता है, लेकिन आपको हमेशा इसको स्कैन करते रहना चाहिए। आता है हमारा जो एप्लीकेशन है जो आप यूज़ नहीं करते, आप उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, बिकॉज जितनी कम एप्लीकेशन होगी उतना कम अटैक हो सकता है आपके फ़ोन पे, बिकॉज ये और ज़्यादा सेफर बना देते हैं, बिकॉज जो आपकी एप्लीकेशन है वो भी कुछ बिल्ट इन प्रॉब्लम्स के साथ आती है, जिससे जो अपने एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं वो बहुत सारे टाइम तक अपडेट्स नहीं निकाल के देते, जिसकी वजह से ये जो आपका फ़ोन में कभी अटैक हो सकता है इन केस। तो आपको जो भी यूज़ नहीं करनी है एप्लीकेशंस उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा रहता है। आई होप गाइस जो मैंने सारी स्टेप्स बताई आपने फॉलो कर ली होगी आपने फ़ोन में, और जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है और ज़्यादा सिक्योर हो गया होगा। तो वीडियो तो बहुत काम की थी, तो गाइस जल्दी से लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।